जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़ और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी मैं पहुंच चुका हूं बरौनी के APSM कॉलेज, जो कि यहां के काफ़ी नामी कॉलेजों में से एक है। और यहां पे जो युवा वर्ग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि बेगूसराय में जो संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 15 साल से जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं, क्या राय रखते हैं वो अपना कि बेगूसराय जिले का नेतृत्व बेगूसराय को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बेगूसराय में बाहरी प्रत्याशी काफी समय से चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार भी बाहर के ही प्रत्याशी यहाँ के यहाँ से खड़ा हो? हाँ, यहाँ से बाहरी से ही खड़ा चाहिए। यहाँ का लोग अभी मन लायक काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के लोग मन लायक नहीं काम कर पा रहे, क्या बोलना चाहिए? हाँ सर, बाहर के लोग खड़ा होना चाहिए। बाहर के लोग पिछले 15 साल से खड़ा है, कुछ विकास दिखता है उनका? काम काम तो कुछ नहीं दिख रहा है। जिला के ही प्रत्याशी होना चाहिए। कहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए? जिले का प्रत्याशी होना चाहिए, जिला से बाहर? जिला का अच्छा रहेगा, जिला का अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको, पिछले 15 साल से बेगूसराय संसदीय क्षेत्र पे बाहरी प्रत्याशी को थोपा जाता है और यहाँ की जनता पिछले 15 साल से झेल भी रही है, आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है बस जिला का होना चाहिए। जिला का होना चाहिए। हेलो, कुछ नाम बता सकेंगे कि किनको? नहीं, वो तो अब वो सब पार्टी में है तो किनो की बताए। हेलो, नौ बहुत बधाई। संसदीय क्षेत्र में बाहर के प्रत्याशी को आना चाहिए कि या लोकल किसी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए? लोकल किसी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। लोकल किसी व्यक्ति को क्यों खड़ा होना चाहिए? लोकल क्योंकि यहाँ के लोग रहेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे, इसीलिए यहाँ के समाज को समझ पाते हैं, यहाँ के क्षेत्र को समझ पाते हैं, समझ पाते हैं यहाँ मतलब कहाँ कहाँ विकास नहीं हुआ उसको भी समझ पाते समझ पाते हैं। बाहर के लोग कैसे समझेंगे? बाहर के लोग नहीं समझेंगे। लोकल किसी उम्मीदवार का नाम पता है आपको, कोई लगता है कि इस तरह का नेतृत्व देने में है सक्षम? भाजपा कोई भी किसी को टिकट मिलेगा जीतेगी, भाजपा ही बेगूसराय जिला में। ये तय है कि भाजपा जीतेगी, लेकिन यहाँ लोकल प्रत्याशी होना चाहिए या नहीं? यहाँ तो चाहिए लोकल प्रत्याशी, लेकिन उस ढंग के अभी कोई नहीं है मेरे नज़र में या हम लोगों के नज़र में। कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे भैया बताएं, सही बताएं, मतलब यहाँ पे नेतृत्व जैसे अभी तत्कालीन तो वही रजनीश जी हैं, वही मतलब जैसे अभी उनको अनुभव भी है, MLC हैं 2 बार से, तो अच्छे से उनको अनुभव है। और जैसे भाजपा कोई भी सीट दे तो जीतेगी ही, कन्फर्म है, लगभग जीतेगी भाजपा। क्या लगता है कि मोदी जी फिर सरकार बना पाएंगे? 100% बना पाएंगे। 100% बना। उनके काम को कितना नंबर देना चाहेंगे? उनके काम को 100 में से 100 देना चाहेंगे। 100 में से 100 नंबर।